हर रोज आप कम से कम दिन में दो बार रोटी जरूर खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोटी हेल्दी है या नहीं? इसके अलावा आपको रोटी खाने से कौन से और कितने न्यूट्रिशन मिल रहे हैं? अगर नहीं तो ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपकी एक रोटी में क्या है। सभी कहते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन रोटी में ऐसा क्या है जो ये आपकी सेहत के लिए इतनी फायदेमंद है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको हमारी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि एक रोटी में होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रोटी में सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ट्रांस और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मतलब ये कि आपको गेहूं से बनी रोटी में जीरो मिलेगा। एक रोटी जिसका आकार 7 इंच जितना होता है उसमें 682 कैलोरी होती है, 2306 मिलीग्राम सोडियम होता है और कुल फैट 4 ग्राम होता है, और एक रोटी से आपको 139 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, एक रोटी से आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, पोटेशियम 292 मिलीग्राम और शुगर 7 ग्राम मिलता है। इसके अलावा आपको रोटी से विटामिन ए और विटामिन सी भी मिलता है। इसमें 11% कैल्शियम होता है और 18% आयरन। ये जानने के बाद अब आप एक रोटी की ताकत जान चुके होंगे। रोटी खाना आपके लिए कितना जरूरी है और आपको एक रोटी खाने से कितना न्यूट्रिशन मिलता है और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, ये आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। आप दिन भर में नाश्ते से लेकर डिनर तक हर वक्त रोटी खा सकते हैं। रोटी खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप रोटी खाने वाले हैं तो उससे एक घंटा पहले और उसके एक घंटा बाद तक कुछ ना खाएं। इससे आपको रोटी से मिलने वाले न्यूट्रिशन का पूरा फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि गेहूं दुनिया भर में उगाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी फसल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा गेहूँ उगाने वाला देश है। गेहूँ के आटे से सिर्फ रोटी ही नहीं बनती, बल्कि इससे ब्रेड, कुकीज, केक, दलिया, पास्ता, रस, सिवई, नूडल्स जैसी कई और चीज़ें भी बनती हैं। इसके अलावा गेहूं का किण्वन कर बियर, शराब, वोडका और जैव ईंधन भी बनाया जाता है। ये क्योर एंड हेल्थ डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।